चेतेश्वर पुजारा ने किया वीरेंद्र सहवाग वाला काम। बांग्लादेश की टीम हो गई परेशान, अब 10 विकेट चटकाओ, सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाओ। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को अब 10 विकेट की जरूरत है। पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश की टीम अभी भी 471 रन पीछे है। टीम इंडिया ने इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है और ये संभव हो पाया है शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा की बदौलत। पुजारा ने तो इस मैच में कर दिखाया सहवाग वाला काम और बांग्लादेश की टीम हो गई परेशान। गिल पुजारा ने ठोके शतक। बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने शानदार पारी खेलते हुए शतक जड़ दिए। गिल का जहां ये टेस्ट करियर में पहला शतक रहा तो वहीं पुजारा की 19वीं सेंचुरी रही। चेतेश्वर पुजारा ने लंबे अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाया। साल 2019 के बाद ये उनका पहला शतक रहा। वो पहली पारी में शतक से चूक गए थे लेकिन इस पारी में पुजारा ने सिर्फ 130 गेंदों पर नॉट आउट 102 रनों की पारी खेली। ये पुजारा का टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक भी रहा। इस शतक को लगाने के लिए पुजारा ने मैदान पर सहवाग वाला काम करके दिखाया। पुजारा ने किया सहवाग वाला काम। इस मैच के तीसरे दिन पुजारा और शुभमन गिल की जोड़ी ने 113 रनों की साझेदारी की। पहले शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया लेकिन फिर शुभमन गिल 182 रनों के कुल स्कोर पर आउट हो गए। गिल के आउट होने के बाद पुजारा ने तेजी से रन बनाना शुरू किया क्योंकि पारी को घोषित करने के लिए पुजारा के शतक का इंतजार किया जा रहा था। तेजी से सेंचुरी लगाने के लिए पुजारा ने कई आक्रामक शॉट्स खेले। पुजारा ने कई बार आगे बढ़ बढ़कर शॉट्स भी लगाए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये चेतेश्वर पुजारा खेल रहे हैं। पुजारा वीरेंद्र सहवाग की तरह बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने तूफानी शतक जड़ा। पुजारा ने सिर्फ 130 गेंदों में सैकड़ा जड़ दिया और ये उनके टेस्ट करियर का सबसे तेज शतक भी रहा। जैसे वीरेंद्र सहवाग गेंदबाजों में खौफ भर दिया करते थे, पुजारा ने भी इस मैच में ठीक वैसी ही बल्लेबाजी की। बांग्लादेशी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि पुजारा के सामने गेंदबाजी की जाए तो कैसे की जाए। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को फील्ड सेट करने में भी काफी दिक्कतों का सामना हो रहा था। लंबे इंतजार के बाद लगाया शतक। पुजारा के लिए ये टेस्ट शतक दो वजहों से बेहद खास रहा। एक तो ये उनके टेस्ट करियर की सबसे तेज सेंचुरी रही। इसके अलावा पुजारा ने 52 पारियों के बाद ये टेस्ट शतक जमाया। इससे पहले पुजारा ने साल 2019 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जमाया था। तब से वो शतक के लिए तरस रहे थे। वो कई बार शतक के करीब भी पहुंचे लेकिन सैकड़े तक नहीं पहुंच पाए। पहली पारी में भी वो शतक के करीब पहुंच गए थे लेकिन 90 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इस बार पुजारा ने कोई गलती नहीं की और 3 साल के बाद अपनी 19वीं टेस्ट सेंचुरी जड़ दी। पुजारा ने इस मैच में दिखाया कि वो सिर्फ पारी को सवारना ही नहीं बल्कि तेजी से बल्लेबाजी करना भी जानते हैं और तूफानी अंदाज में शतक लगाना भी जानते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से इस मैच के तीसरे दिन चेतेश्वर पुजारा ने बल्लेबाजी की, क्या आप उसे देखकर हैरान हैं? क्योंकि आमतौर पर पुजारा को धीमा खेलने के लिए जाना जाता है लेकिन इस मैच में पुजारा ने सहवाग की याद दिला दी। तो ऐसे में कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।